हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई गेस सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और मैं अभी नाश्ता तैयार कर रहा हूँ, और रात में जो पानी गिरा था वो टंकी पूरे फुल हो चुकी है, तो मैं जा रहा हूँ पौधे में पानी डालने। और पापा आज फ़ोन किए थे। शिट मैन, चिड़िया का देखो काटती कर दी सुबह सुबह यार। कोई बात नहीं, चलते हैं पौधों के पानी देने के साथ साथ अपने ऊपर भी थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। और पापा फ़ोन किए थे, मैं उठा नहीं पाया था, फिर बाद में मैं फ़ोन किया था तो कोई और उठाया था, मतलब किसी और के नंबर से वो फ़ोन किए थे, तो उन्होंने बताया कि पापा आज एक ही बार ड्यूटी करके आएंगे, मतलब झर्रा करके आएंगे। लग रहा है चिड़िया को वो वाला टी शर्ट पसंद नहीं है, इसीलिए बोली टी शर्ट चेंज कर लो, उसके बोलने का तरीका था। सारा काम कंप्लीट हो गया, फूलों में पानी डाल दिए, नाश्ता भी तैयार कर दिए, और 9:30 हो रहे हैं अभी। पापा के आने का बस इंतज़ार है, वो आएंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे, आराम करेंगे, फिर 12 बजे के बाद, नहीं 4 बजे के आसपास, मतलब जब शाम होने वाली होगी 4-5 के आसपास, फिर जाएंगे आपको आज कहीं घुमाने के लिए। तो हाँ, बहुत लेट हो गए। देखो आज सुबह सुबह ही पानी डाल दिए थे, सारा का सारा, मतलब जो फूल है पौधा है सब सही है इस समय, आप डेली सुबह ही डाला करूँगा। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और जैसे कि कई लोग कमेंट भी किए हैं, कई लोग मैसेज भी करते हैं, जो एनसीएल का मेडिकल होता है वो कैसा होता है, मतलब उसमें क्या क्या चेक करते हैं, कैसी बीमारी होती है, फिर से जो उनका आँख होता है वो कितनी ख़राब है तो चल जाएगी, और मतलब चश्मा कितने पावर का चश्मा रहेगा तो वो चलेगा फिर नहीं चलेगा, और फिर से हाइट जो है आपकी लंबाई ये मेज़र होती है कि नहीं होती है, अगर किसी की हाइट छोटी होती है तो क्या उसे निकाल देते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं बाकी आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं आँख की, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आँख है एनसीएल में, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आँख है, वो आपकी आँख ज़रूर चेक करेंगे। तो अगर आप चश्मा पहनते हैं तो अगर आप ये है कि चश्मा पहनने के बाद आपको दिखाई देता है, ठीक है, तो वो आपको रख लेंगे, और अगर आप मतलब कि अगर आप आपकी आँख ज़्यादा ही ख़राब है अगर, और उसका इलाज हो सकता है तो भी वो आपको रख लेंगे। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होगा कि जिसको मतलब कि एकदम नज़दीक की भी चीज़ कोई अच्छे से दिखाई ना दे, जैसे कि आपसे कुछ पढ़वा रहे हैं आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, आपकी मतलब नज़र बहुत ही कमज़ोर है, तभी आपको निकालेंगे। अदरवाइज़ बहुत सारे वर्कर हैं यहाँ पर जो मैनेजेरियल पद पर हैं, या फिर से क्या बोलते हैं आपके ऑपरेटर हैं या फीटर हैं, कुछ भी हैं, चश्मा लगाते हैं, चश्मा लगा के काम करते हैं। तो ये हो गया आई प्रॉब्लम वाला बात। अब दूसरी बात करते हैं हाइट वाला। तो हाइट क्या है ना, एक फॉर्मेलिटी है, सबका हाइट मेज़र होगा। बहुत कुछ कुछ लोग हमको लगता है 6-6 फीट के हैं, कुछ कुछ लोग हमको लगता है कि 5 इंच ऐसे हैं, कुछ कुछ लोग 5 फीट के हैं, मतलब हर हाइट के लोग हैं उसमें, तो हाइट में कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग अभी मतलब 2-4 साल पहले जो रिक्रूटमेंट हुआ था, तो उसमें जो लोग रिक्रूट हुए थे तो वो लोग बता रहे थे कि हाइट मेज़र होती है, बट उसके बेसिस पे किसी को निकालते नहीं हैं, ये चीज़ हो गया। उसके बाद अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है, आपका पूरे बॉडी चेकअप होगा, तो अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है, बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी है, अगर वो क्योर होने लायक है तो भी आपको मतलब समय देंगे कि आप जाइए इलाज कराइए, और उसके बाद आके फिर से आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर नॉर्मल बीमारी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेन चीज़ है आपकी आँख, तो आँख थोड़ा सा है तो आँख में भी अगर वो क्योर होने लायक है, सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक मैंने पता किया है, ये जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये नहीं है कि एकदम पत्थर की लकीर है और एकदम कि मतलब इसमें चेंज ही नहीं हो सकता है, इसमें भी अपना चेंजेस होता होगा। अब ये इन्फॉर्मेशन मैंने जिनसे ली है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि ऐसे ऐसे हुआ था और ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मतलब एनसीएल का जो मेडिकल होता है वो काफ़ी सिंपल है, जैसे कि आर्मी वगैरह में होता है, एयरफोर्स में होता है, या ऐसे किसी डिफेंस में सर्विसेज में जाते हैं, तो उनके जो क्या बोलते हैं मेडिकल होता है वो काफ़ी तगड़ा होता है। लेकिन एनसीएल का इट्स जस्ट चिल, नॉर्मल होता है, कोई दिक्कत है नहीं, आराम से हो जाएगा। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, मतलब देख रहे हो पसीना पसीना, ये एग्जॉस्ट इधर देखो, ये जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है, एग्जॉस्ट चल, अभी जस्ट बंद किया है क्योंकि काफ़ी आवाज़ करता है, तो रिकॉर्ड करने में दिक्कत होगा, वो एग्जॉस्ट चल रहा है। उसके बाद भी बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, आज उमस बहुत ज़्यादा है। डिनर में मैं बना रहा हूँ घाटी बाटी, जो भी आप लोग बोल रहे हैं। वीडियो एडिटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है,
और मैंने डिनर कंप्लीट कर लिया है, पापा ने भी खा लिया है, पापा सो रहे हैं, और मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। तो अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स जो है एज यूजुअल आपका ही है, तो कमेंट करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।